नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं Samsung Galaxy A16 5G के फोन में ऐप पर फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाया जाता है। किसी भी एप्लीकेशन पर आप फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो, तो कैसे आप लगाएंगे इसके लिए फ्रेंड्स, आपको पहले नंबर पे आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है और यहाँ पर दोस्तों देखिए लॉक स्क्रीन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो भी आपके मोबाइल का स्क्रीन लॉक है, स्क्रीन लॉक आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेक करना है कि आपके फोन में फिंगरप्रिंट लॉक लगा है या नहीं लगा है। तो हमारे मोबाइल में लगा हुआ है, तो मैं बैक आ जाता हूँ। अगर आपके में नहीं लगा है तो ऐड फिंगरप्रिंट पर क्लिक करके आप फिंगरप्रिंट स्कैन करवा लीजिएगा। उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आ जाने के बाद अब आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, उसमें कोई ऐड भी नहीं आते हैं और ट्रस्टेड भी है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐप का डाउनलोड करने का तरीका बता दूंगा। तो इस ऐप की सेटिंग कैसे किया जाएगा ये आप समझ लीजिए, क्योंकि सेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रही ऐप। इस ऐप पर मैंने क्लिक किया, परमिशन यहाँ से मैं अलाउ कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं अपने मनपसंद का, वो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। सही के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, दोबारा से री एंटर आपको करना है, फिर सही के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहीं पर देखिए फिंगरप्रिंट का नोटिफिकेशन शो हो रहा है, तो आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है पैकेज इंस्टॉलर का, इस टिक को आपको जरूर इनेबल करना है। इससे क्या होगा, आपके परमिशन के बगैर इस मोबाइल से इस एप्लीकेशन को डिलीट नहीं कर पाएगा। जब डिलीट करने जाएगा तो पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, तो इस टिक को आपको जरूर इनेबल करना है। उसके बाद यहाँ पर सारी ऐप आ जाएंगी, तो जिस भी एप्लीकेशन में आपको फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है वो एप्लीकेशन आप सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं आपको प्ले स्टोर में ही लगा के दिखा देता हूँ। ये रहा प्ले स्टोर, उसके सामने टिक है, टिक को ऑन मैंने कर दिया। प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपको ऐप लॉक वाली एप्लीकेशन आएगी, इस टिक को आपको ऑन करना है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर से ये ऐप आएगी, इस टिक को आपको ऑन करना है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अलाउ करना है। बस आपका काम हो चुका है। चलिए बैक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से बैक कर दिया। बैक करने के बाद दोस्तों प्ले स्टोर में लगाया था, तो प्ले स्टोर पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए फिंगरप्रिंट मांग रहा है और जैसे ही मैं फिंगर टच करता हूँ दोस्तों देखिए प्ले स्टोर तुरंत ओपन हो चुका है। चलिए मैं अब आपको ऐप का डाउनलोड करने का तरीका भी बता देता हूँ। प्ले स्टोर ओपन करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर्च पे क्लिक करेंगे, ऐप लॉक फिंगरप्रिंट लिखेंगे, ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, इसी से आपका टोटल काम हो जाएगा।